करनाल रेलवे स्टेशन की निगरानी करेगी तीसरी आंख, सुरक्षा के लिए लगाए गए 19 सीसीटीवी कैमरे, 40 लगाने की तैयारी। करनाल स्थानीय रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का घेरा मजबूत कर दिया गया है। स्टेशन पर 19 सीसीटीवी कैमरे चालू किए गए हैं, जबकि 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं, बाकी कैमरे भी जल्द लगा दिए जाएंगे। इससे स्टेशन की हर गतिविधि पर आरपीएफ और जीआरपी की नजर रहेगी। सुरक्षा के लिहाज से यह अहम कदम उठाया गया है। फिलहाल जो 19 कैमरे लगे हैं उनकी कनेक्टिविटी दिल्ली मुख्यालय में है। आरपीएफ चौकी में एक कक्ष तैयार किया जा रहा है, जिसमें सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल रूम स्थापित होगा। उसके बाद करनाल में भी डिस्प्ले की सुविधा उपलब्ध होगी। यदि कोई वारदात होगी तो उसका रिकॉर्ड करनाल में ही देखने की सहूलियत होगी। करनाल स्टेशन पर सुरक्षा के लिहाज से जीआरपी थाना व आरपीएफ चौकी स्थापित है। यहीं से जिले के सीमा क्षेत्र में रेलवे की सुरक्षा का काम संभाला जाता है। स्टेशन पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की कमी थी। यह बात कई बार करनाल दौरे पर आए उत्तर रेलवे के डीआरएम के सामने उठाई गई थी। कुछ समय पहले स्टेशन पर कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई और अब कैमरे चालू कर दिए गए हैं। प्रवेश व द्वार, प्लेटफॉर्म सहित स्टेशन का पूरा इलाका आने वाले समय में कैमरों की जद में होगा। कहेंगे स्टेशन पे सुरक्षा को लेकर कैमरे लगाए गए, क्या क्या फायदे हो सकते हैं इससे? कैमरे से बहुत फायदे हैं, क्योंकि हमारा सामान जो होता था, कभी कई बार कोई चोर होते थे उठा लेते थे, और कैमरे की वजह से हम देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो कैमरे का फायदा तो बहुत है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्टेशन पे कैमरे लगे गए। तो ऐसा भी हो सकता है कैमरे लगने के बाद ये चोरों का धंधा भी बंद हो सकता है? हाँ जी, चोरों का धंधा बंद हो सकता है, लेकिन चोर अपनी वो हरकतों से बात तो नहीं आते ना, तो कहीं ना कहीं डर होगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ तो कैमरों को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी सुरक्षा है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाना है। बहुत अच्छी बात है कि कैमरे लगाए गए हैं, और कैमरों से हमारे को यात्रियों को बहुत फायदा होगा। मैम क्या कहें, करनाल रेलवे स्टेशन पर कैमरे लगा दिए गए सुरक्षा की दृष्टि से? बहुत अच्छा किया है यहाँ की गवर्नमेंट ने, अगर ऐसा कुछ किया है तो मुझे, अगर मेरे को 20 साल हो गए डेली ड्यूटी करते हुए, बहुत ही अच्छा है कि इस बहाने चेन स्नैचिंग वगैरह का भी होता था, पर्स मोबाइल में भी छुपा छुपा के हमें चलना पड़ता है कि कोई वो ना ले, तो एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत डर तो लगेगा ही कि कहीं ना कहीं कैमरे लगे हुए हैं, हम पकड़े जाएंगे। तो उस चीज़ में बहुत फ़र्क है हमें, अगर ऐसा हुआ है तो महिलाओं की वैसे भी सुरक्षा का भी बहुत फर्क पड़ेगा। पुलिस को कुछ क्ल्यू मिलना होगा, कुछ ढूंढना होगा। हालांकि छेड़छाड़ी वाली ऐसी कभी कुछ नहीं रहा हुआ है करनाल स्टेशन में, पर वैसे चोरी वोरी का, स्नैचिंग का, चेन स्नैचिंग का तो मामले आते ही रहते हैं। एक बार किसी का बच्चा जैसे चोरी हो गया था, तो चोरी नहीं मतलब मिसप्लेस हो गया था, तो वो उसको ढूंढने में भी मदद हो सकती है कि बच्चा इधर उधर गुम हो गया। उन सब चीज़ों में बहुत होता है, महिला बहुत परेशान हुई, आधे घंटे बाद किसी ने उसे ढूंढ के दिया उसका बच्चा, वो तो बाय द गॉड ग्रेस की उसको बच्चा मिल गया, बट फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो वो फायदा मिलता है। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, अगर ऐसा किया गया तो मैं सरकार को अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगी। फायदेमंद है सुरक्षा के लिए, जैसे कि मतलब कोई चोर चक्का मौसमूस में सब कुछ आ जाएगा, जैसे कोई जेब काटता है या किसी प्रकार का, लेडीज़ को भी बहुत सहूलत है इस चीज़ की, कैमरों को तो बहुत सहूलत है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है काम, ये तो बहुत बढ़िया है। छेड़छाड़ वास्ते भी जैसे चोर चोरी कर लेते हैं, चोरी करते हैं तो नहीं होगी, जेब पतरा नहीं होगा, उनको डर भी होगा। हाँ डर भी होगा, कैमरे लगे हैं, कैमरे की निगरानी में सब रहेंगे। देखो रेलवे स्टेशन करनाल पर 19 कैमरे वर्किंग में हैं, अभी नए लगे हैं, और बाकी 20 कैमरे और लगने हैं जो प्रोसेस में हैं। इसका डिस्प्ले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है, और यहाँ भी इसका कंट्रोल रूम बनने वाला है, शीघ्र ही 2-4 दिन में यहाँ भी बन जाएगा, कमरा तैयार होने लग रहा है। तो जैसे वारदात हो जाती थी उसमें भी, पर वारदात में जैसे स्नैचिंग है, चोरी की है, या प्लेटफार्म पे कोई सामान किसी का उठाता है, उसमें बहुत मदद मिलती है। क्या है 19 और लगेंगे, वो जल्दी ही लगेंगे 1-2 दिन में। जी हाँ, सुरक्षा की दृष्टि को दृष्टि देखते हुए सुरक्षा के लिए कैमरे लगा चुके हैं 18, और 20 कैमरे और जल्दी ही लगेंगे। उसके लिए प्रोसेस में है कार्य, सर्वर रूम वगैरह तैयार हो रहा है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो जी हाँ, ऑलमोस्ट सारे रेलवे प्रोमाइसिस को कवर किया जाएगा उन कैमरों से, तो जो भी घटना होगी, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है या थेफ्ट होता है, तो वो उस कैमरे में आ जाएगा। सर मॉनिटरिंग ऐसा है, सर्वर रूम बन रहा है,
तो उससे मॉनिटरिंग की जाएगी उसकी, और वहाँ जो भी सीसीटीवी कैमरा की क्लिप होगी वो सर्वर रूम से ही प्राप्त होगी। देखिए वो एक्चुअली टेलीकॉम स्टाफ उसके लिए कर रहा है, और दिल्ली से हमारे हेडक्वार्टर से प्रोसेस होता है। सर्वर रूम जैसे ही तैयार हुआ और कैमरे निकट भविष्य